अस्सलामुअलैकुम जी, मैं अहमद शहजाद ख़ान आज मैं जो मौजूद हूँ जी, मैं ठोकर न्यास बेग पे हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इस वक्त जून में कोरोना आना है बड़ा सख्त, और उसमें बहुत सी अफवाह हो रही हैं, और हुकूमत ने कहा है कि बहुत इसमें एहतियात करनी है, घर में रहना है, SOPs के साथ चलना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ठोकर न्यास बेग है, इधर ये आपको चिंगची नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले देखिए चिंगची, हर अब ये इधर चिंगची पे तीन मुसाफिर आगे बैठते हैं और तीन पीछे और एक ड्राइवर साथ। वैगन्स हैं, ये देखें वैगनों पे बड़ी अच्छी आगे बैठे हैं। आया अब मैं आपको बताता चलूँ, पुलिस वाले भी खड़े हैं, और मेरा हुकूमत से ये सवाल है कि सबसे पहले ये जो कोरोना है क्या ये चिंगसी से नहीं फैलेगा? ये ऐसा स्टेशन है जहाँ से कसूर पे भी लोग जा रहे हैं, रायवंड पे भी जाएंगे लोग, लाहौर की तरफ भी जाएंगे लोग, मुल्तान की तरफ भी जाएंगे। शहर की जो आबादी है वो तकरीबन 38% है, और देहातों की आबादी तकरीबन 62% है। अब ये देखें कि शहरों से आप कोरोना को देहातों की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, अब ये क्या कोरोना फैलेगा नहीं? रेलवे से भी आप कोरोना को ले जा रहे हैं, आप हवाबाजी से भी, प्लेन से भी आप कोरोना को ले जा रहे हैं, बसेस से भी लेके जा रहे हैं, वैगन से भी लेके जा रहे हैं, चिंगचियों से भी लेके जा रहे हैं, और लोग बगैर मास्क के मौजूद हैं। अब यहाँ पर जिम्मेदारी किन की है? सबसे पहले अगर हम सूबे की बात करें तो जिनके अंडर ये पुलिस है उसमें होम सेक्रेटरी जिम्मेदार है, क्यों नहीं वार्डन और पुलिस वाले इन लोगों को देख रहे हैं और हटा रहे हैं? और जबकि पुलिस नज़र आ रही है आपको खड़ी है और किसी किस्म की वो काम नहीं करवा रहे। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि रेलवे, उसका वजीर रेलवे ज़िम्मेदार है, अगर हम देखें प्लेन्स का, उसका वफाकी वजीर हवाबाजी ज़िम्मेदार है, तो ये ज़िम्मेदारियाँ हैं जनाब इमरान खान साहब। आपने कहा था कोई भी वजीर मेरा अगर कोई गलती करेगा उसको मैं हटा दूंगा। हमने नया पाकिस्तान देखा है, हमने नया पाकिस्तान मिलके बनाया है, और आप वज़ीर आज़म बनने से पहले एक जुर्रतमंद लीडर थे, अभी भी हैं। हमें वो जुर्रत चाहिए, हमें वही चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए कि आप फौरी इन गलतियों को सुधार दें, इन लोगों को डिसमिस कर दें, चाहे वो होम सेक्रेटरीज हों, इंटीरियर सेक्रेटरी हों, या वो वज़रा, चाहे वो सूबाई हों, चाहे वो वफाकी हों। हमें शहजाद ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।